पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लोक शर्मा जी, लेकिन एक प्रश्न है जिस पर आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा। ये आली रे, आली रे। अंधे है क्या हम लोग, देख रहे ना? वो है हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली। ना ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, ना चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित हैं। अच्छा, और दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए। नहीं। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही हैं, उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो इसको खारिज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्ग क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। तू समझा? हाँ। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार की बात आपने की। व्यवहार हमने देखा है, किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से, हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। शर्म करो। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया। राफेल की जांच नहीं होने दी। जेपीसी होती है तो पूछते हैं कि संसद नहीं चलेगी तो पैसा किसका खर्च होगा। यही सवाल आज मौसमी ने पूछा था। अरे अभी तो जेपीसी की मांग हुई है, अभी से आपको बीजेपी का बचाने का सवाल पूछने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? अब आता हूँ राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी ने एक एक चीज को पूरे सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में समझाया है कि 13 मई को क्या स्टेटमेंट आया, 19 मई को क्या आया, 28 मई को क्या आया। अब उन्होंने कहा, गौरव जी ने, कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे। थोड़ी मर्यादा रखिए। अडानी के चैनल के शेयर्स हैं, अनाली अडानी के शेयर्स हैं, जो से भी जांच कर रही है। आलोक जी, ये आपकी सामान्य भाषा, आप घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं। सामान्य भाषा नहीं है, विशिष्ट लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी। जो भी है, बड़ी गंदी भाषा है। इसके हमने जेपीसी की जांच की है, एग्जिट पोल का एक नेक्सस था, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई कंपनियों के पास इतने पैसे नहीं है कि इतने सैंपल सर्वे करके वो सारा डाटा 2-3 घंटे में सब कंपाइल करके रख देंगे। मुझे लगता है इसकी एग्जिट पोल की पूरी जांच होनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने अपनाई। बात तो सही है। और उसमें कुछ चैनल्स कह रहा हूं मैं, कुछ चैनल्स भी उस नेक्सस में शामिल थे कि नहीं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, तीनों जांच के दायरे में। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।